आयुष्मान वानर सेना के शिविर में आपका स्वागत। धन्यवाद वानर मित्रों, मैं ऋषि अगस्त और ये मेरी पत्नी देवी लोपामुद्रा है। हम दोनों यहाँ श्री राम के दर्शन के लिए पधारे हैं। श्री राम के दर्शन अवश्य कीजिए ऋषिवर। आई महर्षि अगस्त की देवी लोपामुद्रा की, 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 महर्षि अगस्त। लक्ष्मण, ऋषि अगस्त्य और देवी लोपामुद्रा यहाँ हमारे शिविर में। प्रभु, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि महर्षि पुण्य आत्मा के चरण हमारे शिविर में पड़े। मैं जाकर उनका स्वागत करता हूँ। नहीं हनुमान, हम सबको साथ जाकर उनका स्वागत करना चाहिए। आओ। देवी लोपामुद्रा की, महर्षि अगस्त्य की, देवी लोपामुद्रा की। प्रणाम ऋषिवर, आप सबका कल्याण हो, आप सब विजयी हो। जहाँ श्री राम है वहाँ विजय निश्चित ही है, क्योंकि विजय सदैव सत्य की ही होती है। तुम सत्य कहती हो देवी लोपामुद्रा, सत्य में विजय थी। आइए ऋषिवर। स्थान ग्रहण कीजिए ऋषिवर। ऋषिवर, आपने यहाँ पधार कर वानर सेना की विजय को निश्चित कर दिया है। आपसे हमारी भेंट वनवास में पंचपटी पहुँचने से पूर्व हुई थी। श्री राम, हर कार्य भगवान शिव की इच्छा और विधाता के संकेत अनुसार ही होता है। भगवान शिव ने हमें आज्ञा दी थी कि हम दक्षिणावर्त में अपनी धर्म भूमि बनाएं। इसलिए ऋषिवर ने दक्षिणावर्त के इस समुद्र तट पर अपना आश्रम स्थापित किया है। श्री राम, हम यहाँ एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। आज्ञा कीजिए ऋषिवर, आप जैसे गुरुजनों और धर्मात्माओं की आज्ञा का पालन करने के लिए हमने ये मानव शरीर धारण किया है। आप अपना उद्देश्य बताइए ऋषिवर, आपने किस उद्देश्य से आने का कष्ट किया? हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन करना। और हमारा दूसरा उद्देश्य है आपको एक शुभ कार्य की प्रेरणा देना। ऋषिवर, सच पूछिए तो आप दोनों के दर्शन होते ही हमारे मन में शुभ कार्य की प्रेरणा जाग उठती है, परंतु हम बता नहीं सकते कि वो शुभ कार्य होगा क्या। शिव जी ने मुझे वचन दिया था कि एक विशेष अवसर पर दक्षिण के समुद्र तट पर मैं तुम्हें दर्शन देने आऊंगा। यदि आप उन्हें प्रसन्न करेंगे तो शिव अपने वचन को अवश्य निभाएंगे। और भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी अवश्य पधारेंगी। आपने हमें शिव पार्वती के दर्शन पाने के लिए उत्सुक कर दिया है ऋषिवर, कृपया करके हमें यह बताइए कि शिवजी ने यह वचन किन परिस्थितियों में दिया था। अवश्य श्री राम, एक बार नारद मुनि उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे थे कि उन्होंने नर्मदा के तट पर विंध्याचल पर्वत को देखा। उसके मुख पर बहुत उदासी छाई हुई थी और वो बहुत दुखी था। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण, ये मेरी दृष्टि का भ्रम है या विंध्याचल पर्वत सचमुच उदास है? नारद, इस सत्य का पता तुरंत लगाना होगा। हाँ, नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। विंध्याचल, क्या तुम सचमुच दुखी हो या ये मेरी दृष्टि का भ्रम है? देवर्षि, आपका कथन सत्य है, मैं सचमुच बहुत दुखी हूँ। नारायण नारायण, तुम दुखी हो? तुम तो पृथ्वी के सबसे महान पर्वत हो, तुम्हारी दृढ़ता अटूट है। हिमालय पर्वत भी तुम्हारी दृढ़ता की बराबरी नहीं कर सकता। ये सब कहने की बातें हैं देवर्षि, सच्चाई तो यह है कि मैं बहुत छोटा हूँ और आकाश को छूने वाले मेरु पर्वत को देख देख कर झुंझलाता रहता हूँ।
इसमें झुंझलाने की क्या बात है विंध्याचल? भला मेरु पर्वत तुम्हारे बराबरी क्या कर सकता है? उसका कार्य तो समुद्र मंथन के समय ही समाप्त हो गया था। अभी तो वो केवल बिना हरियाली के चट्टानों का भार ढोकर पृथ्वी पर बोझ बना हुआ है। मैं पृथ्वी पर बोझ बनना नहीं चाहता हूँ देवर्षि। मेरी एक ही महत्वाकांक्षा है, मेरु पर्वत से भी ऊंचा होकर आकाश को चीरता हुआ स्वर्ग लोक तक पहुंच जाऊं, ताकि संसार के सारे पर्वत मेरे सामने सिर झुकाएं। अर्थात तुम यही बात सोच सोच कर दुख से दुबले हुए जा रहे हो। अपना ये दुख किसको बताऊं देवर्षि? आपने स्वयं अपनी दिव्य दृष्टि से मेरा दुख पहचान लिया, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मेरी महत्वाकांक्षा की पूर्ति का कोई उपाय बताइए। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। तुम्हारी ये महत्वाकांक्षा तो केवल आशुतोष शिव ही पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी ये इच्छा न तो ब्रह्मा जी स्वीकारेंगे न ही विष्णु नारायण। ऐसा क्यों देवर्षि? ब्रह्मा विष्णु मेरी प्रार्थना को स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि रचना में इतना बड़ा परिवर्तन कभी नहीं चाहेंगे कि तुम आकाश को चीरकर स्वर्ग तक पहुंच जाओ, और जगत के पालनहार विष्णु भी पृथ्वी स्वर्ग और पाताल के प्राणियों को कष्ट पहुंचे ऐसा वरदान कभी नहीं देंगे। मेरी महत्वाकांक्षा पूर्ण हो, इसमें किसी को क्या कष्ट हो सकता है देवर्षि? जैसे ही तुम ऊंचे उठोगे पृथ्वी का वातावरण बदल जाएगा, पवन का संचार रुक जाएगा, बादलों की गति रुक जाएगी, पृथ्वी पर तुम्हारा बोझ बढ़ने लगेगा। एक ओर अतिवृष्टि होगी तो एक ओर सूखा पड़ जाएगा, तीनों लोकों में वातावरण का संतुलन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा देवर्षि, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने हर बात का रहस्य तुम्हें बता दिया विंध्याचल, अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो, मुझे आज्ञा दो। नहीं नहीं ठहरिए देवर्षि, मेरे प्रश्न का समाधान करते जाइए। हर हर महादेव, मैंने तुम्हारी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने का उपाय तुम्हें बता तो दिया, फिर बार बार क्यों पूछते हो? अर्थात मैं भगवान शिव की आराधना करूं? सच्चे मन से महादेव की आराधना करो विंध्याचल, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी, फिर चाहे परिणाम जो भी हो। नारायण नारायण। नमः शिवाय शिवाय नमः शंकराय नमः। ओम 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 नमः शिवाय शिवाय नमः शंकराय नमः। नारायण नारायण। प्रणाम माता। प्रणाम देवर्षि। देवर्षि, ये शिव वंदना का ऊंचा स्वर कहां से आ रहा है? कौन है जो शिव जी की इतनी तीव्रता से आराधना कर रहा है? माता, मैं उसी दुखी पर्वत के पास से आ रहा हूँ। दुखी पर्वत? हाँ, उस दुखी पर्वत का नाम है विंध्याचल। वो पर्वत मेरु पर्वत से भी ऊंचा बनकर आकाश चीरकर स्वर्ग लोक तक पहुँचना चाहता है माता। तो इसीलिए वो प्रभु को पुकार रहा है। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव से बढ़कर किसी की इच्छा भला तत्काल और कौन पूर्ण कर सकता है माता?
आशुतोष शिव ही उसकी कामना पूर्ण कर सकते हैं। और शिव जी को पुकारने का सुझाव आप ही ने विंध्याचल को दिया होगा, क्यों देवर्षि? अब माता, शिव भक्तो शिव की भक्ति का ही सुझाव देगा ना, और मैं करता भी क्या? इस असंभव सी कामना का वरदान प्राप्त कर विंध्याचल सारी सृष्टि में उथल पुथल मचा सकता है। नहीं, मैं प्रभु शिव से प्रार्थना करूंगी कि वे ऐसा विचित्र वरदान कदापि न दे। नारायण नारायण, वे शिव हैं, आप उनकी शक्ति हैं, आप दोनों को जो उचित लगे सो कीजिए। मैं तो यहाँ आपके दर्शन के लिए आया था, वो कार्य पूर्ण हुआ, अब मुझे आज्ञा दीजिए माता। प्रणाम। हे प्रभु, विंध्याचल की ये प्रार्थना आप अनसुनी कर दीजिए, उसकी ये कामना कभी पूर्ण न होने पाए। शंकराय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। शंकराय नमः। शांत हो जाओ। शिवाय शिवाय नमः। शंकराय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवाय विंध्याचल, हम कहते हैं शांत हो जाओ और अपनी ये विनाश लीला बंद करो। प्रणाम शिवशंकर। तो आपने मेरी पुकार सुन ही ली, मेरी कामना पूर्ण कीजिए शिवशंकर। कामना पूर्ति का ये उपाय उचित नहीं है विंध्याचल। तुम प्रलयकारी का उग्र रूप धारण करके हमें वरदान देने पर विवश करना चाहते हो? नहीं शिवशंकर, नहीं, मैं आपको विवश नहीं करना चाहता, बस आपकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। यदि मेरी प्रार्थना में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। अब कहो, क्या कहना चाहते हो? शिवशंकर, मैं मेरू पर्वत से भी ऊंचा होना चाहता हूँ, ताकि पर्वतों में मेरा स्थान सबसे ऊंचा रहे। यह असंभव सा वरदान हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं? ब्रह्मदेव की सृष्टि रचना में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं प्रभु, आप चाहे तो कण को भी आकाश जैसा विशाल रूप दे सकते हैं, आप चाहे तो असंभव को संभव कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं शिवशंकर? नहीं विंध्याचल, नहीं, ऐसा विचित्र वरदान हमसे ना मांगो। तुम चाहो तो हम तुम्हें कोई और वरदान दे सकते हैं। मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए प्रभु, यदि आप मुझे ये वरदान नहीं देते हैं तो मुझे तोड़कर मिट्टी में मिला दीजिए, ताकि यह विंध्याचल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। नहीं नहीं विंध्याचल, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम अपने भक्त को ही नष्ट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आपने
मुझे वरदान नहीं दिया तो मेरा जीवन से मोह नष्ट हो जाएगा, मैं निष्प्राण पाषाण बन जाऊंगा। महादेव, यदि आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी तो किसी भी शिव भक्त को शिव भक्ति पर विश्वास नहीं रहेगा। शिव भक्ति से लोग विमुख होकर पतन के मार्ग पर चलेंगे। संसार में पाप, अत्याचार और हिंसा का प्रचार होगा। रक्षा के लिए वरदान दे, धर्म की रक्षा के लिए वरदान दे दीजिए। कथार्थ हो विंध्या, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम मेरु पर्वत से भी ऊंचे उठकर स्वर्ग की ऊंचाई तक पहुंचो। तुम्हारा कल्याण। आप धन्य हैं शिवशंकर, सचमुच धन्य हैं। अब मैं मेरु पर्वत से ऊंचा होकर सारे पर्वतों का गर्व खंडन कर दूंगा, आकाश को चीरता हुआ स्वर्ग तक पहुंच जाऊंगा। जय शिवशंकर, जय भोलेनाथ।